झारखंड एकेडमिक काउंसिल की खामियों का भुगतान छात्रों को करना पड़ रहा है। दरअसल जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में कई छात्रों को रिजल्ट को अपूर्ण दिखाया गया है। अपूर्ण रिजल्ट की वजह से छात्रों की परेशानी अब बढ़ सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां उच्च कक्षाओं के लिए नामांकन का समय समाप्त होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ जैक कंपार्टमेंटल परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। समय रहते अगर परिणाम ठीक नहीं हुआ तो छात्रों का एक साल बर्बाद हो सकता है। वहीं जिन छात्रों के परिणाम में सुधार के बाद भी वे पास नहीं आए, तो कंपार्टमेंटल परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाने से उनका दो साल बर्बाद हो सकता है। वहीं जैक के उपाध्यक्ष फूलचंद ने बताया कि छात्रों का समय बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। कंपनी के जिन बच्चों का रिजल्ट है उससे एप्लीकेशन मांगी गई है और एप्लीकेशन के आधार पर कार्य प्रारंभ हो गया है जी। आप कहना ये है कंपार्टमेंट का जो डेट निकल गई है, पहले तो सब कब तक परिणाम आ जाएंगे? बहुत जल्दी कोशिश की जा रही है कि ऐसे बच्चे कंपार्टमेंट में बैठ सकें, इसलिए भरसक कोशिश की जा रही है कि उनका निदान जल्दी से जल्दी किया जाए। वो कोशिश प्रारंभ है, डेट जो निकल गई है उस डेट पर हम लोग परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं और आपदा विभाग से परमिशन हमको मिल जाती है तो उस डेट में निश्चित रूप से परीक्षा होगी। और इनकम्प्लीट रिजल्ट है, ये कोई बहुत पेचीदा नहीं होगा, तो उनका रिजल्ट निकल जाएगा और इस पर बोर्ड काम कर रही है कि जल्दी से जल्दी उनका रिजल्ट निकले और उनकी समस्याओं का समाधान हो। इनकम्प्लीट जो छात्रों का रिजल्ट आया है, क्या उसको टेम्प्रोरली अगले क्लास में एडमिशन मिल पाएगा? नहीं, ये तो बोर्ड नहीं बता सकता है क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। इंटरमीडिएट भी आप ही के अंतर्गत आता है? हाँ, इंटरमीडिएट का मतलब आप 11th की बात कर रहे हैं जी। जो 10th में जो इनकम्प्लीट आया है उसका? नहीं, 10th वो 10th बोर्ड जो होता है वो ऐसा नहीं है, उसका कोशिश की जा रही है कि इनकम्प्लीट रिजल्ट को सुधार किया जाए, ये कोशिश हो रही है। जैक के उपाध्यक्ष ने छात्रों के हित में फैसला लेने का भरोसा दिलाया है। अगर समय रहते फैसला नहीं लिया गया तो छात्रों का साल बर्बाद हो सकता है। अधिवित परिषद के द्वारा कई छात्रों के परीक्षा परिणाम अपूर्ण दिखा दिए जाने के कारण छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। खास करके एक तरफ जहां एडमिशन चालू हो गया है उच्च कक्षाओं में नामांकन के लिए, वहीं दूसरी तरफ कंपार्टमेंटल की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि का भी जैक ने घोषणा कर दिया है। ऐसे में जल्दी से अगर इन अपूर्ण घोषित किए गए छात्रों का परीक्षा परिणाम नहीं आया तो फिर इनके समक्ष एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और इनका एक वर्ष का समय बर्बाद हो जाएगा। पंजाब की स्थिति के लिए तुमका से सुरेंद्र कुमार झा।